नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 लगातार चर्चाओं में बनी हुई। अगर इस साल की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें यश और संजय दत्त की फिल्म केजीएफ 2 पहले नंबर पर होगी। फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज होने को तैयार, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ऐसे खबरें आई थी कि कोरोना के चलते फिल्म की रिलीज डेट को टालना पड़ा। हालांकि इसे लेकर फिलहाल मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। वैसे इस फिल्म का क्रेज इतना है कि इसके टीजर को ही 180 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वही व्यूज का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और जल्द ही टीजर 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर देगा। फैंस फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी खबर को भी जानने के लिए बेताब रहते हैं। अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई, जिसे जानने के बाद यकीनन फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो केजीएफ 2 के गैंग में नोरा फतेही की एंट्री हो गई। खबरें हैं कि यश के इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में दर्शकों को नोरा फतेही के जबरदस्त डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के पहले पार्ट में जहां मोनी रॉय ने गली गली गाने में यश के साथ ठुमके लगाए थे, वहीं दूसरे पार्ट में यश और नोरा फतेही अपने डांस मूव्स से हर किसी को हैरान करते नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट के आइटम सॉन्ग को लोगों ने खासा पसंद किया था। ऐसे में इस खबर के बाद मोनी के फैंस को झटका लगना तय है। हालांकि नोरा के फैंस काफी खुश होने वाले। खबरें आ रही हैं कि फिल्म के दूसरे पार्ट में भी एक आइटम सॉन्ग होगा। ये गाना सुपरहिट फिल्म शोले के गाने महबूबा महबूबा का रीमेक होगा। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस खबर के सच होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। बताते चले कि केजीएफ 2 को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म साल 2018 में आई केजीएफ का दूसरा पार्ट है। फिल्म में संजय दत्त की एंट्री ने हर किसी को एक्साइट कर दिया। इस फिल्म में यश अधीरा बने संजय दत्त से दो दो हाथ करते नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा फिल्म में रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी नजर आएंगे। वैसे आप इस फिल्म में नोरा के आइटम सॉन्ग को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।